खरगोन हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमीन दोज करने के मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के निशाने पर हैं। सूबे के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सरकार पर हमला बोला है। हालांकि इस दौरान दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा मामले को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है, जिसको लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिग्विजय सिंह द्वारा आज संवेदनशील मुद्दे पर विवादित ट्वीट के बाद धार्मिक उन्माद फैलाने और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, पूरे क्षेत्र में हिंसा हुई। पूरे घटनाक्रम में आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इस दौरान उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया था, जिसमें कुछ लोग मस्जिद पर भगवा झंडा फहराते नजर आ रही हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर कहा कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के माध्यम से गलत जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि दिग्विजय ने भगवा झंडा फहराने का जो फोटो ट्वीट किया है, वो मध्य प्रदेश का नहीं है। शिवराज ने इसके साथ ही दिग्विजय पर धार्मिक उन्माद फैलाने के षड्यंत्र का आरोप लगाया था। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कुछ समय के बाद ट्वीट से इस फोटो को हटा लिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं खुद के ऊपर FIR दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने CM शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया है। उन्होंने एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान पर FIR दर्ज करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने इस बाबत पुलिस कमिश्नर भोपाल और श्यामला हिल्स थाने को लेटर भी भेजा है। इस लेटर में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 मई 2019 को राहुल गांधी का एक कूटरचित वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि शिवराज का ये आपराधिक कृत्य है। उन्होंने कहा कि शिवराज ने राहुल गांधी के मंदसौर में दिए भाषण के साथ छेड़छाड़ की थी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कानून की अलग अलग व्याख्या नहीं हो सकती। अपराध सामान्य नागरिक करे या मुख्यमंत्री, मुकदमा दर्ज होना चाहिए।